अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है हेयर सीरम के बारे में। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोगों ने कलर ट्रीटेड हेयर है या फिर हमारे केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए हैं, कैरेटिन एक्सटेंशन, तो हम कौन सा सीरम इस्तेमाल करें। हेयर सीरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपने बाल स्ट्रेट करते रहते हैं, अगर आप अपने बालों को हीट लगवाते रहते हैं, ब्लो ड्राई करते रहते हैं, तो आप लोगों के लिए हेयर सीरम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हेयर सीरम है ये विंसे का है, इसका नाम है रियल लाइफ हेयर सीरम एब्सोल्यूट रिवाइवल। 80 ml इसके अंदर प्रोडक्ट है, अच्छा भला प्रोडक्ट होता है क्योंकि हेयर सीरम के सिर्फ दो ही पंप्स लगते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, और वैसे तो एक पंप ही बहुत है मिड लेंथ हेयर के लिए। तो ये जो हेयर सीरम है ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट सा, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, क्योंकि हेयर सीरम अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो बाल जो है वो इतने बाउंसी नहीं लगते बल्कि फ्लैट से लगने लग जाते हैं। तो ये जो हेयर सीरम है ये बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है, वाटरी प्लस ऑयली का कॉम्बिनेशन सी एक कंसिस्टेंसी है, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं पूरी लेंस के अंदर तो हेयर में एक शाइन सी आ जाती है। जब उसके बाद आप हीट अप्लाई करेंगे, लाइक स्ट्रेट करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, तो बाल बहुत शाइनी से लगने लग जाते हैं। तो ये जो विंसे का रियल लाइव हेयर सीरम है ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और इसके अंदर देखें इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है कि बाल बहुत ज़्यादा अगर किसी के ड्राई हैं, डैमेज्ड हैं, फ्रिजिंग हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक शाइनी सा हो जाता है और नॉन स्टिकी है। रियली ये नॉन स्टिकी है, जो इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है ये रियल में नॉन स्टिकी है और आपके बाल ईजिली डिटैंगल हो जाते हैं, मैंने ये भी चीज़ भी ऑब्जर्व की है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। तो मैं वही चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और मुझे वो अच्छी लगी होती है, तो तभी मैं आप लोगों को अपने चैनल पे बताती हूँ। तो ये जो सीरम है ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं आगे। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वाटरी सी, बिल्कुल लिक्विड है, लिक्विड ऑयली और वाटरी कंसिस्टेंसी का एक मिक्सचर सा है। और ये बड़ा लाइट सा लाइट वेट है, इसको आप अच्छे से जो है वो हाथों के दरमियान में अच्छे से मिक्सअप करेंगे, लाइक अच्छे से हाथों पे इवनली अप्लाई हो जाएगा, तो आपने हाथों को अच्छे से बालों में गुजार लेना है एंड दैट सेट। उसके बाद आप हीट लगवा सकते हैं बालों को, लाइक ब्लो ड्राई करना है, हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है, आप हेयर सीरम ज़रूर अप्लाई करें वरना स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे, बाल ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो ये सीरम मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और ये बहुत ज़्यादा रीजनेबली प्राइस है। आई थिंक ये आपको 1500 की रेंज में इजीली किसी भी स्टोर से, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से जहाँ विंसे के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपको मिल जाएगा। 1000 से 1500 के दरमियान इसकी प्राइस थी, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये इसकी पंप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये आपको काफ़ी अरसे तक लास्ट करेगा, एक दफ़ा आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपको अगर आप डेली भी अप्लाई करें तो आपको ये 4 to 6 months लास्ट कर जाएगा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आप लोगों को ये लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर अगर डल और डैमेज हो जाते हैं अगर आप हीट अप्लाई किए रखेंगे एंड कोई भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो हेयर सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली जब आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं या केमिकल ट्रीटेड हैं तब तो मस्ट है कि आपको हेयर सीरम अप्लाई करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।